हरिकृष्ण जी नमस्ते। नमस्कार, नमन प्रणाम सर। नमस्कार सर, बताइए हरिकृष्ण जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीर चंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूँ। हम चार भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूँ मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, इकट्ठे, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बातें आते हैं, जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी, उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी, अभी एमएसपी पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूँ, क्योंकि वरना एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके परिवार को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।